हाँ जी बेटे, जो नेक्स्ट हमारा केस आता है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। सो इन अ ईयर व्हेन वी सी अबाउट द नंबर ऑफ द क्वार्टर्स, तो एक साल में बेटे अगर हम यहां ध्यान से देखें, देयर आर फोर क्वार्टर्स आर देयर। पहला जो हमारा क्वार्टर है साल का, वो स्टार्ट होता है अप्रैल, मई और जून तक। सेकेंड क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर हमारा स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और लास्ट क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर फरवरी तक, जनवरी, फरवरी और मार्च तक। तो एक साल में नंबर ऑफ क्वार्टर्स हमारे कितने हुए? चार। अब यहां पर अगेन इस क्वार्टरली केसेस के अंदर भी तीन डिफरेंट केस हमारे क्रिएट होते हैं। नंबर वन इज व्हेन द ड्रॉइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर आप यहां देखें कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग के अंदर अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है, तो इट मींस फर्स्ट वन कब विड्रॉ किया गया होगा? 1 अप्रैल को। सेकंड विड्रॉल कब किया गया होगा? जुलाई 1 को। थर्ड विड्रॉल कब किया गया होगा? अक्टूबर 1 को। और लास्ट विड्रॉल कब किया गया होगा बेटे? जनवरी 1 को। अगर हम अपने बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन उस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला जो पहले पढ़ा था, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस कंडीशन में हमारा मंथली बेसिस पर एवरेज टाइम पीरियड क्रिएट होता है। तो फर्स्ट वन अगर हम यहां ध्यान से देखें, तो फर्स्ट विड्रॉल कब है हमारी? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक उसने पूरे साल उस अमाउंट को यूज किया है, तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग इज 12 मंथ्स। नाउ द लास्ट इज टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग कब की होगी उसने? जनवरी 1 में। तो जनवरी 1 से लेकर मार्च तक उसने कितने मंथ्स यूज किए? 3 मंथ्स। तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग इज 3 मंथ्स। तो 12 + 3 / 2 बिकम्स 15/2 मंथ्स। और जब इस एवरेज टाइम पीरियड को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 12 एंड द वैल्यू बिकम्स 15/24 ईयर। तो हमारा एवरेज टाइम पीरियड बेटे कितना आएगा? 15/24 ईयर, अगर ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। आई होप सो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जो हमने पहले मंथली बेसिस पर कंसेप्ट को पढ़ा था, उसी कंसेप्ट को सेम हम किसमें पढ़ रहे हैं? क्वार्टरली बेसिस पर। नाउ कम टू द सेकेंड वन पॉइंट, इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें, तो बेटे फर्स्ट क्वार्टर हमारा कब से कब का है? अप्रैल, मई और जून तक, ये फर्स्ट क्वार्टर है हमारा। इस क्वार्टर का मिडल क्या होगा? अप्रैल का पूरा महीना प्लस 15 डेज मई के, तो 15th of May विल बी द मिड ऑफ द क्वार्टर। पहला कब विड्रॉ किया जा रहा है? 15th of May को। सेम इसी तरह से अगर हम इस क्वार्टर का मिड देखें, तो मिड ऑफ द क्वार्टर बेटे हमारा यहां पर क्या बन जाएगा? 15th of August। सेम इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वार्टर का मिड देखें, तो अक्टूबर का फुल मंथ एंड नवंबर का हाफ, नवंबर 15। सेम इसी तरह से लास्ट में अगर हम देखें, तो लास्ट क्वार्टर में कब उसने विड्रॉ किया होगा? फरवरी 15 में। तो फर्स्ट उसने विड्रॉ कब किया? 15th of May को। तो अगेन फॉर्मूले के बेसिस पर अगर हम जाएं, तो एवरेज टाइम पीरियड मंथली बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग इज 15th of May। 15th of May से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स उसने यूज किए हैं? 10.5 मंथ्स, 10.5 मंथ और 10.5 मंथ्स उसने यूज किए, प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग उसकी कब है? 15th of February को। तो 15th of February के बाद 16th of February से लेकर मार्च 31st तक कितने मंथ्स वो यूज कर रहा है? 1.5 मंथ फुल। तो 1.5 मंथ का मतलब 1.5 मंथ। तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू बिकम्स 12/2, इट बिकम्स 6 मंथ्स। और जब हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 6/12 ईयर। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, इन दिस पर्टिकुलर केस ड्रॉइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर हमारा कब का बेटे? 1 अप्रैल से लेकर June 30 तक। तो इस क्वार्टर का मिडल क्या होगा हमारा? 15th of May। सेम इसी तरह से क्वार्टर का सेकेंड क्वार्टर का मिड हमारा क्या आ जाएगा? 15th of August।
थर्ड क्वार्टर का मिड 15th ऑफ नवंबर और लास्ट क्वार्टर का मिड हमारा कितना आ जाएगा 15th ऑफ फरवरी। तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, पहले तो हमने कब विड्रॉ करें 15th ऑफ मई, 15th ऑफ मई का मतलब 1.5 मंथ हमने उसको यूज नहीं किया, और यू कुड से 15th ऑफ मई से लेकर मार्च 31st तक कितने मंथ हम यूज कर रहे हैं 10.5 मंथ। टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग इज 15th ऑफ फरवरी, 15th ऑफ फरवरी से लेकर के मार्च 31st तक कितने मंथ हम यूज करें 1.5 मंथ, इट मींस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 12/2 मंथ्स, इट बिकम्स 6 मंथ्स, और जब हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे बेटे इट बिकम्स 6/12 ईयर। और लास्ट वन बेटे हमारा केस क्या कहता है, इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, जब हम ईच क्वार्टर की बात कर रहे हैं यहां पर तो इट मींस हमारा लास्ट कब आ रहा है जुलाई अप्रैल मई जून, इट मींस द लास्ट विल बी जून 30th, नेक्स्ट इज सितंबर 30th, नेक्स्ट इज दिसंबर 31st एंड द लास्ट इज मार्च 31st। नाउ ये हमारे खत्म हो गए, ये हमारा खत्म हो चुका, ये खत्म हो चुका, ये खत्म, नाउ वी हैव टू यूज द लास्ट वन। तो अगेन एवरेज टाइम पीरियड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग हमने कब किया जून 30th को, यानी कि अप्रैल मई जून हमने कोई यूज नहीं किया, तो फर्स्ट जुलाई से लेकर हमने लास्ट तक यूज किए मार्च तक, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने आ गए 9 मंथ्स, प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग हमारी कब की है, लास्ट ड्रॉइंग वी हैव मेड ऑन मार्च 31st, इट मींस नो वन टाइम पीरियड वी हैव यूज्ड हियर, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 9/2 बिकम्स 4.5 मंथ्स, और जब आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5/12 कर लीजिए, या आप इसी को ही ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए तो इट बिकम्स 9/2 × 12 और वी कुड से 9/24 ईयर, आप दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, बोथ आर द करेक्ट वन, इट इज जस्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट। तो आई होप सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इट। और इसको बेटे अगेन याद करने के लिए अगेन मेक अ स्मॉल कैपिटेशन बॉक्स, the time period basically we have used on quarterly basis, और यहां पर बेटे हम क्या लेके चल रहे हैं time period in the beginning of each quarter, in the middle of each quarter और at the end of the each quarter, और यहां पर हम क्या लेके चल रहे हैं quarterly basis पे जो time period use किया we have calculate average time period। तो if drawings are made on the basis of quarterly basis and if the drawings are made in the beginning of each quarter, then the average time period will be used as 15/24 year. If the drawings are made in the middle of each quarter, then the average time period will be 6/12 year. If the drawings are made at the end of the each quarter, the average time period will be 9/24 year. So by using this one, average time period, we can easily calculate the amount of interest on drawings which will be asked in your examination. So these are the important one topic. Now I am just going to start how could we calculate interest on drawings in these different cases with a different example of it. So please check it out now. अगर हम एक hypothetical example लेकर के चल रहे हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर अगर अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, और हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड ऑन द क्वार्टरली बेसिस। सो दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी, दे विड्रू ₹3600 ईच in every quarter. Calculate interest on drawings if rate of interest on drawing is charged at the rate 10% per annum, if drawings are made by A in the beginning of each quarter, of each quarter,
नंबर टू, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड बाय बी इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, and the last is if the drawings are made by C at the end of each quarter. So this is again only a very simple question to how to calculate the amount of interest on drawings. कि हम किस तरह से interest on drawings की calculations करें. सिर्फ हमने एक चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं. और वो क्या है, हमारा average time period. तो पहली कंडीशन है हमारी बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए, ए के लिए, कि ड्राइंग्स आर मेड बाय ऑल द पार्टनर्स, वी अस्सुम दैट 3600 रुपीस. तो 3600 इज अ कॉमन अमाउंट और नंबर ऑफ अ क्वार्टर इन अ ईयर इज 4. तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, पूरे साल की हमारे पास ड्राइंग्स आ गई. मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ द एवरेज टाइम पीरियड वी हैव टू कंसीडर. अब हम एवरेज टाइम पीरियड बेटे कितना कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें, देन इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर द एवरेज टाइम पीरियड विल बी 15/24. तो जब आप 15/24 को कैलकुलेट करेंगे पूरी कैलकुलेशन को, तो आंसर विल बी योर 900. नाउ कम टू द सेकेंड वन केस. इफ नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर बी, he withdrew 3600 for the whole year, number of a quarter are 4, multiplied by rate of interest 10%, but he had withdrawn the amount in the middle of each month, middle of each quarter. So in the middle of each quarter we have to use the average time period, that is 6/12. So the answer becomes rupees 720. सिर्फ और सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें तो हम सिर्फ चेंज किसमें कर रहे हैं, एवरेज टाइम पीरियड के अंदर. And the rest is same. Now the third one condition for C, if the drawings are made at the end of the each quarter, at the end of each quarter, number of quarters are again 4, 3600 into 4, rate of interest on drawing is 10%, and average time period we have to consider as 9/24. Now when you calculate this amount, it becomes your 540. तो अगर आप ध्यान से देखें बेटे, इन तीनों कंडीशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहां पर आई हैं, सिर्फ एवरेज टाइम पीरियड में. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिमेन सेम, पूरी चीज हमारी बिल्कुल सेम है. इफ द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बाय ए, 3600 ही हैज विड्रॉन, नंबर ऑफ क्वार्टर्स आर 4 इन अ ईयर, मल्टीप्लाइड बाय 4, वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट फॉर द होल ईयर, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%. दिस इज कॉमन इन एवरी केस. Not just when the drawings are made in the beginning of each quarter, average time period will be 15/24, amount will be 900. If the drawings are made in the middle of each quarter, average time period will be 6 months basis, that will be 720 rupees. If the drawings are made at the end of the each quarter, the average time period will be 9/24 and the answer will be 540. I hope so this will be the it will be easier for you to understand the basic concept. तो अभी तक बेटे हमने दो टॉपिक्स इसके पढ़े हैं. नंबर वन, इफ द ड्राइंग्स आर मेड ऑन मंथली बेसिस. सेकंड वन वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, इफ द ड्राइंग्स आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस. सो इन अ नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो यू विल सी दैट हाउ कुड वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बाय यूजिंग रेट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द डिफरेंट केसेस आल्सो. टिल देन एंजॉय बेटे.